अस्सलाम वालेकुम, मैं एम एस सुल्तान। जिस तरह हमने इससे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो पूरी यूनिट्स थे वो हमने पूरी की, कुछ यूनिट्स हमने सेकंड सेमेस्टर में जो F1-2 है उसमें भी कवर की है, लेकिन फार्माकोलॉजी में हमने एंटीबायोटिक्स के जो 10 वीडियोस हमने बनाए थे उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि GI की मेडिकेशन है उसमें हम 5 ग्रुप्स कम अज़ कम उसको डिस्कस करें। लेकिन आज से हम इंशाल्लाह बायोस्टेटिस्टिक भी स्टार्ट करेंगे, जो जिन सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी हुई है उसमें एक सब्जेक्ट जो है बायोस्टेट है। तो बहुत सारे लोग इसमें डिफ़िकल्टी फील करते हैं, इंशाल्लाह हम आज से बायोस्टेट के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे। अगर मुझसे कहीं भी गलती होती है तो मुझे खुशी होगी अगर आप लोग मुझे करेक्ट करेंगे, अगर आप लोग मुझे गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी होती है उसको सर्च करने में, आप लोगों ने जाना है जैसे ही YouTube ओपन करना है, जैसे ही आप लोग YouTube में जाएंगे, YouTube में आप लोगों ने सर्च करना है हमारा चैनल नर्सिंग विद अमीर के नाम से, नर्सिंग विद अमीर। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे हमारा चैनल जो है वो सामने आ जाएगा, उसको क्लिक करना। जैसे ही आप अंदर जाएंगे वहाँ पर ऊपर आप लोग प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर जिस तरह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लेक्चर्स आपको चाहिए वो सारे लेक्चर्स मौजूद है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके कुछ यूनिट मिस है लेकिन बाकी ज़्यादातर मौजूद है। इसके अलावा आप लोग जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 जो पहले सेमेस्टर में पढ़ा रहे थे उसके सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम जो पहला लेक्चर है हमारा बायोस्टेट का, वो आज हम स्टार्ट करते हैं मीन, मूड और मेडियन से। बेसिकली हमारे पास ये 3 चीज़ें क्यों, क्योंकि जहाँ भी आप स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरियंस इन चीज़ों में जाएंगे, आपको जी स्कोर सब कुछ में जाएंगे, आपको मीन हर जगह मिलेगा। तो मीन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास है क्या मीन, क्या है मीन, बेसिकली क्या है हमारे पास, एवरेज नंबर यूज़ कि इन जो हमारे पास जितनी नंबर आपने लिखी है, जितनी क्लासेस आपने ली है उसका एवरेज, मतलब ये है कि इसका जो एवरेज परसेंटेज है वो क्या है, या जो हमारे पास एवरेज नंबर है। फिर हमारे पास है मीडियन। मीडियन जिस तरह हमारे पास नाम से जाहिर है मेड, मेड से निकला हुआ है जो मेडल वैल्यू होगी हमारे पास, जितने नंबर हम मिली है उसमें फिर एक एक को हम डिफाइन करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हम हल करते हैं। लेकिन मीडियन हमारे पास बेसिकली क्या है कि कितनी आपने 10-15 जितनी नंबर ली है उसका मेड नंबर, इसको हम फिर कैलकुलेट किस तरह करते हैं। साथ में हमारे पास है मूड। मूड बेसिकली क्या है, वो नंबर जो हमारे पास मोस्ट ऑफन, यानी इस में जितनी नंबर्स आपने ली है उसमें जो ज़्यादा यूज होने वाला नंबर है वो बेसिकली हमारे पास है मूड। अब सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं मीन से, कि मीन बेसिकली हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि हमारे पास ये नंबर है 5, 4, 3, 9, 8, 7, ये हमारे पास नंबर्स हैं, इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमने इनको ऑर्डर्स में करना है, जिस तरह हमारे पास 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 7, 8, फिर 9, फिर इसको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। ये हमारे पास टोटल जो नंबर्स है वो कितने हैं, वो 6 है। इसके जो फार्मूला क्या है हमारे पास, टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 3 हो गई, 4, 5, 7, 8, 9, यानी जितनी हमारे पास वैल्यूज थी, जितने हमारे पास नंबर थे उनको सबसे पहले आपने इसको ऐड करना है, फिर जितनी यानी इसकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर इसको डिवाइड करना है। मतलब ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जिस तरह इससे आता है 17, 17 और 7 हमारे पास हो गई 24, 29, 33, 36 हो गया और 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 है वो क्या है, वो मीन इज इक्वल टू 6, यानी जितनी ये नंबर्स हैं उसका जो एवरेज है हमारे पास वो यहाँ पे 6 है। जिस तरह हमने ये पहली एग्जांपल की, इसी तरह हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मीन के लिए, कि हमारे पास वो है 10 है, 12 है, 15 है, 25 है, 20 है, ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं, हमें ये नंबर्स मिले हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो यानी इंटरव्यू के लिए हमारे पास 6 या 5 लोग मौजूद हैं जिनकी एज हमारे पास ये है, तो 10 हो गई, 12 हो गई, 15, 25, 20,
इनको सबसे पहले आपने ऐड करना है 12, 15, 25 और 20, और नंबर को काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5 को, तो 5 के ऊपर अपनी इसको डिवाइड करना है, जिस तरह हमारे पास 45, 60, 72 और 82 टोटल हो गई, 5 के ऊपर डिवाइड कर दें, 2, 5, 1, 0, 5 3 आया और 2 नीचे, 5, 6, 30 2 आया, 1, 2 पर 0 नीचे, 5, 4, 20 यानी 16.4 हमारे पास इन नंबर्स की क्या है मीनिंग है। ये जिस तरह हमारे पास हमने एग्जांपल किया है, इसके लिए हमने क्या किया, हमने इनको पूरी को जितनी भी नंबर्स है उनको हमने ऐड किया है, फिर जितने नंबर्स मौजूद हैं मतलब है इसकी जो क्वांटिटी है इसके ऊपर हमने डिवाइड किया, आपको मीन आएगा। लेकिन एक हमारे पास होती है फ्रिक्वेंसी टेबल, जिसे हम कंटिन्यूस जो है, जो हमारे पास कंटिन्यू डेटा होती है उससे हम जो है मीन किस तरह निकालते हैं। अब हमारे पास यह है फ्रिक्वेंसी टेबल है कंटिन्यू, यानी अगर फिर कंटिन्यूस डेटा की हम किस तरह लेते हैं वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी टेबल है उससे बेसिकली मीन को हम किस तरह निकालेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो एक्स है, एक्स की डेटा है, ये हमारे पास चार क्लासेस बने हुए हैं, ठीक है, 1 है 2 है 3 है और 4 है, इनकी जो हमारे पास एजेस है वो एक 3 है, एक की 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, ठीक है, हमारे पास एक डेटा है ये, इसकी 3 है नंबर, 2 की हमारे पास 5 है, 3 हमारे पास 8 है, ठीक है, और 4 हमारे पास है 4, ये हमारे पास एक डेटा हमें दी गई है कि आप इसकी क्या करोगे, आप इसकी मीन मालूम करो। तो हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी जो डेटा है हमारे पास समेशन ऑफ एफ 3, 8, 16, 20 यानी इसको हमने सबसे पहले ऐड करना है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल कितनी है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सिंबल है हमारे पास, ये समेशन है, मतलब ये एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इन सारे फ्रीक्वेंसीज की आपने ऐड किया, इससे आपके पास 20 आया। फिर आपने जो दूसरा स्टेप करना है वो आपके पास है एफ एक्स, मतलब ये है जो एफ है फ्रीक्वेंसी और आपके पास जो क्लासेस है 1, 2, 3, 4 जो आपके पास कैटेगरीज है उसमें आप क्या करो, आप इसको जो है दोनों को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, 3, 1, 0, 3, 5, 2, 0, 10, 8, 3, 0, 24, 4, 4, 0, 16, अब इसको ऐड करो, समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब ये हमारे पास ये सिर्फ फ्रीक्वेंसीज थी, ये जो डेटा हमारे पास आई है ये यानी फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों के कम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आई है 3, 13, 13 और जो आपके पास 40, 50, 53 टोटल जो आपके पास नंबर्स आए हैं वो क्या है, वो 53 है। तो इस यहाँ पे हमारे पास जो मीन का फार्मूला है इसके लिए वो हमारे पास है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, मतलब ये जो एफ एक्स की फ्रिक्वेंसीज हैं वो आपके पास है 53 डिवाइड बाई 20, क्योंकि आपके पास जो फ्रिक्वेंसी की समेशन थी वो 20, अब इसको डिवाइड करो 53 को 20, 2, 2, 0, 40 ये हमारे पास तीन एग्जांपल्स थे हमने मीन की, इसके बाद हम मेडियन और मोड के जो एग्जांपल्स है वो लें, या हमारे पास एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है उससे हमने क्या मीन निकाल ली, इसके बेसिकली हमारे पास मीन क्या है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे हमारे पास जो एक वेरिएबल है वो एज है ईयर्स में, दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ बॉयज, ये नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास और उसकी ये एजेस है, इसके अब मीनिंग निकालो, बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, जो हमारे पास ईयर्स है एज एंड ईयर्स, और कितनी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास क्लासेस है, तो 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 14 प्लस डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास, इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो हमारे पास 22, 37, 41, 51, 51 और
जिसको अगर आप कैलकुलेट करो तो 11.8 11.8 बेसिकली हमारे पास क्या है, ये इस फ्रिक्वेंसी टेबल का हमारे पास मीन। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स लेते हैं मेडियन की, मेडियन को बेसिकली हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हमारे पास कोई भी सेट अगर दिया गया है उसका हमने क्या, जिस तरह हमने पहले कहा था कि हमने मिडल जो वैल्यू है वो मालूम करनी। तो मिडल वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास काउंटिंग ज़रूरी है कि इसके हम काउंटिंग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब ये है हमारे पास जो 7 नंबर्स हैं। अगर ये ऑर्डर में नहीं है तो हमने इसको ऑर्डर में लिखना है। जिस तरह अगर ये ऑर्डर में इस अगर इस तरह लिखी हुई है 8, 4, 4, 2 विदाउट ऑर्डर, सबसे पहले हमने इसको ऑर्डर में लिखना है। ये हमारे पास हो गए 2, 3, 4, 4 फिर हमारे पास हो गए 6, 7, 67 हमारे पास 4 हो गई। 4 के बाद हमारे पास आती है 8, फिर आती है 23, फिर आती है 67। इसको हमने ऑर्डर में लिखा। ऑर्डर में लिखने के बाद हमने इसके नंबर्स काउंट करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात नंबर है। तो इसमें हमारे पास जो दरमियान वाला नंबर है वो हमारे पास मेडन है, मतलब ये है 1, 2, 3, 4 चौथा नंबर है हमारे पास, ये क्या है, ये मेडन है। तीन नंबर इसके लेफ्ट साइड पे हो गए, तीन नंबर इसके राइट साइड पे हो गए। तो दरमियान में जो सेंटर वाला नंबर है वो हमारे पास मेडन है। लेकिन अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, अगर ये हमारे पास नंबर जो है वो 2, 4, 3, 6, 7, 9 अगर ये नंबर हमारे पास 6 है फिर हम क्या करेंगे। तो इसको पहले सबसे पहले आपने ऑर्डर में लिखना है, मतलब ये पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 9 इसको हमने काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह नंबर है हमारे पास। तो हमने मिडल वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास कोई एक वैल्यू हमारे पास मिडल में नहीं है, दो नंबर हमारे पास क्या है मिडल में है। इन दोनों को हम लेंगे 4 प्लस 6 इनको हम लेंगे और इसको सिंपली 2 वीडियो ये हमारे पास हो गया 10, 2 मतलब ये है 5 इसके दरमियान में हमारे पास क्या है मीडियन। अगर नंबर आपके पास ऑड है, ऑड है मतलब ये है वो 3 है, वो 5 है, वो 7 है, तो आप आराम से दरमियान वाला सेंटर वाला नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं, मतलब ये है 2 है, 4 है, 6 नंबर्स हैं तो इसको आप फिर क्या करेंगे, सेंटर के जो 2 नंबर्स हैं उनको लेके 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आएगा आपके पास मीडियन। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इससे हम आसानी से मेडन को समझेंगे। अब यहाँ दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास सेट है एक, ठीक है, इसमें जो नंबर आए हैं 11, 22, 33, 55, 66 और 99 अगर इन नंबर्स को हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है हमारे पास, मतलब यह ये इवन है, इससे आसानी से हम जो मेडन है वो नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास टोटल नंबर जो है वो 8 है, 3 नहीं हमारे पास टोटल नंबर जो है वो 6 है। तो हमारे पास जो तीसरा और चौथा नंबर है इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम निकालेंगे। तो 1, 2, 3, 3 हमारे पास ही हुआ और 4 3 इन दोनों को हम निकालेंगे, मतलब ये 33 प्लस 55 और 2 नंबर है 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। अगर आप देखें तो इससे 88 आता है, 44 जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हुआ मेडन। तो ये मेडन को निकालने का तरीका। हमारे पास जो थर्ड है वो है मूड। मूड को हम किस तरह निकालेंगे, तो मूड को जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया था कि हमारे पास क्या जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आता हो, मोस्ट ऑफन आता हो वो नंबर, मतलब ये किसी भी सेट में सबसे ज़्यादा नंबर जो यूज़ होते हैं वही हमारे पास क्या है मूड। अगर इस हम एक टेबल को देखें यहाँ पे हम, तो ये हमारे पास हो गई, मतलब ये इसमें 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 9, 6, 7 सारे नंबर्स हैं हमारे पास। अब हमने इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नंबर कौन सा है, मतलब ये अगर हम सबसे पहले 2 को देखें तो 2, 1, यो 1 यहाँ पे हुआ,
एक यह भी हुआ, मतलब ये टू जो है वो हमारे पास दो दफा आया हुआ है। अगर हम फाइव को देखें तो फाइव हमारे पास एक ही है, टू हमारे पास नहीं है, तो फाइव एक, फिर एक दफा आया हुआ है। फिर फोर है हमारे पास, एक वन फोर ये है, दूसरा फोर हमारे पास, तो फोर हमारे पास दो दफा हुआ। फिर थ्री, थ्री एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा हमारे पास यहाँ है, मतलब ये है थ्री जो है वो थ्री टाइम आया हुआ है। नाइन को देखें, नाइन भी हमारे पास क्या है, सिंगल आया हुआ है। टू हमारे पास इस टू के साथ दो दफा आया हुआ था, फाइव हमारे पास सिंगल था, सिक्स को देखें सिंगल है हमारे पास, सेवन को देखें दो दफा आया। अब यहाँ इसमें देखें हम टू जो है वो दो दफा आया हुआ है, फोर भी दो दफा है और सेवन भी टू टाइम आया हुआ है, फाइव को देखे वन टाइम है, नाइन भी वन टाइम है, सिक्स नोट है, लेकिन इसमें एक नंबर है थ्री जो थ्री टाइम आया हुआ है, मतलब ये इस सेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो नंबर है वो थ्री है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोड है वो क्या हुआ, वो थ्री हुआ। तो थ्री को हमने बेसिकली देखना है कि किसी भी सेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो मोड क्या है। अब एक चीज और कि हमारे पास अगर फ्रिक्वेंसी टेबल है, मतलब ये एक्स हमारे पास वन टू थ्री फोर है और फ्रिक्वेंसीज हमारे पास जो है वो है एट है हमारे पास, फिर फाइव है, फिर फोर है, फिर नाइन है, मतलब ये किसी भी स्कूल में जो फर्स्ट ग्रेड लेने वाले आठ लोग हैं, सेकंड ग्रेड लेने वाले पांच लोग हैं, थर्ड ग्रेड लेने वाले फोर लोग हैं, फोर्थ ग्रेड लेने वाले नाइन, तो इसमें हम मोड क्या निकालेंगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या है मोड, मतलब ये एट फाइव फोर, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो नाइन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोड है वो क्या है, वो फोर है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इस तरह हम फ्रिक्वेंसी टेबल से और फिर जो हमारे पास सेट है इससे हम मोड जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी में हमारे पास, मतलब ये है एक सेट है आपके पास, आपसे पूछा गया कभी आप इसमें मूड निकालो, तो वन भी वन टाइम है, टू भी सिंगल टाइम, थ्री भी सिंगल टाइम, फोर भी सिंगल टाइम, फाइव भी सिंगल टाइम, तो इसमें मूड हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि सबकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल हमारे एक जैसी है। तो इसीलिए हमने देखना है कि कौन सा नंबर ज़्यादा यूज हुआ है या नहीं, और अगर टेबल में है तो किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो हमारे लिए मूड वही है।